फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद राघवेंद्र एनआईएस कोच। टुडे आई विल डिस्कस लेफ्ट आर्म स्पिन कि कैसे एक लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल डालता है, उसकी कैसे ग्रिप होती है और कहां से बॉल को वो रिलीज करता है तो उसको ज़्यादा टर्न मिलता है, ज़्यादा उसको विकेट पे बाउंस मिलता है और कैसा उसका एक्शन होना चाहिए, इस सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी स्पिनर का उसका ग्रिप अच्छा होना चाहिए। जब आपका ग्रिप अच्छा होगा तभी बॉल में आप रोटेशन ज़्यादा दे पाओगे, ज़्यादा आपको विकेट से बाउंस मिलेगा, ज़्यादा टर्न मिलेगा और ज़्यादा आप बॉल को कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले मैं ग्रिप पे ध्यान देना है कि ये जो बॉल का सीम है आपको इस तरीके से साइड से ऐसे बॉल की ग्रिप पकड़ लेनी है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के बीच में गैप है। ठीक है, जो इंडेक्स फिंगर है हल्का स्लाइटली ऐसे बैंड है सीम के ऊपर। ठीक है, जो आपका थंब रहेगा वो सीम के ऊपर रहेगा, ये इस तरीके से। ये सिर्फ आपको सपोर्ट देगा ग्रिप करने के लिए, आपको सिर्फ सपोर्ट देगा। ठीक है, जो थर्ड और फोर्थ फिंगर है ये साइड में ऐसे बैंड रहेगी ये। ठीक है, इस तरीके से आपको जो रोटेशन देना है बॉल में वो आपका इंडेक्स फिंगर चलेगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशन मिले ग्रिप में बॉल में। ठीक है, अब आता है कि उसका एक्शन कैसा होना चाहिए। हमेशा किसी भी स्पिनर का एक्शन हमेशा साइड ऑन रखना है, जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा टर्न मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बाउंस मिले विकेट से। ठीक है, मैं आपको बता दूँ कैसे उसका एक्शन होना चाहिए साइड ऑन। यहाँ से इस तरीके से ये आप देखेंगे कि हमेशा जो स्पिनर है उसका जो बैकफुट है हमेशा जो हमारी जो क्रीज होती है बॉलिंग क्रीज उसके पैरलर होता है, इस तरीके से साइड ऑन ये। ठीक है, जो अपर बॉडी है वो भी बिल्कुल ऐसे साइड ऑन रहेगी। ठीक है, आप इस तरीके से भी इधर से भी देख लीजिए ये। हमेशा आपको जो बैट्समैन को देखना है आपको थ्रू द शोल्डर देखना है, बैट्समैन को इधर से देखना है। आप देखेंगे दोनों शोल्डर और नीचे से पूरे बॉडी पूरे साइड ऑन है इस तरीके से। ठीक है, अब आता है कि कैसे आपको बॉल को रिलीज करना है। ठीक है, अब जैसे ही बैकफुट लैंड होगा जंप के बाद आप जब लैंड करोगे तो जो दोनों हाथ है आपका एक नॉन बॉलिंग आर्म होता है और दूसरा वाला जो होता है वो बॉलिंग आर्म होता है। हमेशा जो आगे वाला हाथ है वो सीधा खुलेगा और सर्कल ऐसे बनाएगा जैसे होता है कि सेमी सर्कल बनना, क्योंकि ये आगे वाला हाथ जितना अच्छा आपका सर्कल बनाएगा पीछे वाला हाथ उतना ही सीधा चलेगा और कान के बिल्कुल पास से आएगा। ठीक है, इससे क्या कि बॉल एकदम ऊपर से छूटेगा तो जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टर्न मिलेगा। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जब आप लोडिंग लोगे तो बैट्समैन को हमेशा यहाँ से देखना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे ही आप लोडिंग के बाद आप जब रिलीजिंग के लिए आओगे तो जब बॉल को रिलीज करोगे आपको हमेशा अपने टो पे लैंड करना है। ठीक है, आपको टो पे आके बॉल को डिलीवर करना है तो ऐसे आपका पिवट होगा इस तरीके से। मैं आपको ऐसे इधर से भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ गए इस तरीके से ये। ठीक है, आप जब टो पे ऐसे पिवट करोगे तो बॉल को पूरा टर्न मिलेगा और आपको ध्यान देना है कि आपका जो फॉलो थ्रू है पूरा ऐसे फिनिश होगा, जो आपका बॉलिंग आर्म है हमेशा अपोजिट शोल्डर की तरफ फिनिश करना है। ठीक है, आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी रहेगी, आपका हेड एकदम सामने बैट्समैन की तरफ इस तरीके से। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि आपकी जो ग्रिप है वो इस तरीके से पकड़ना है। आप जब लोड करोगे तो लोडिंग में इस तरीके से बॉडी साइड ऑन रखना है। ठीक है, जब बॉल को डिलीवर करोगे आगे वाला हाथ बिल्कुल सीधा खोलना है ये। ठीक है, अब जब बॉल को छोड़ोगे, जब बॉल को रिलीज करोगे हमेशा हेड के ऊपर से रिलीज करना है बॉल। ठीक है, जिससे कि बॉल हमारा टप्पे पे जाके गिरे गुड लेंथ स्पॉट पे। अगर आप हेड के आगे से छोड़ते हो तो बॉल छोटा गिरेगा जिससे बैट्समैन ईजी बैकफुट पे जाके खेलेगा, और अगर आप पीछे से छोड़ते हो तो बॉल फुल टॉस जाके गिरेगा हमेशा। इसीलिए हेड के ऊपर से आपको बॉल को छोड़ना है। ठीक है, मैंने अपने वीडियो में इसमें डाल रखा है अपना बॉलिंग का भी वीडियो बना के कि किस तरीके से आपको बॉलिंग करनी है, कैसे आपका एक्शन रहेगा और किस तरीके से आप फॉलो थ्रू को फिनिश कर रहे हो। ठीक है, मैंने इसमें स्लो मोशन में भी डाल के रखा है और वीडियो को जोड़ के भी रखा है, आप देख सकते हो कि कैसे बैकफुट लैंड हो रहा है किस तरीके से ये, और कैसे बॉडी पूरी साइड ऑन है। ये किसी भी इंटरनेशनल खिलाड़ी को जैसे रविंद्र जडेजा हुआ, मुरली कार्तिक हुआ और न्यूजीलैंड के स्पिनर डेनियल विटोरी, उनका आप देखेंगे कितना अच्छा बॉडी साइड ऑन आता है,
और बैक फुट कितना अच्छा उनका ऐसे साइड ऑन रहता है इस तरीके से, जिससे उनको बॉल में रोटेशन ज्यादा मिलता है, टर्न ज्यादा मिलता है। ठीक है, आप किसी भी प्लेयर को देखेंगे इस तरीके से अपनी बॉडी को साइड ऑन में लाना है और आपको बॉलिंग करनी है। ठीक है, आप जितना ज्यादा ऐसे बॉलिंग करोगे उतना ज्यादा आपकी बॉलिंग अच्छी होगी। ठीक है, किसी भी चीज की अपन कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो अच्छी होगी ही होगी। ठीक है, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं कैसे मैं बॉलिंग कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।